कल हमने ऋषिकेश तथा वाक्य मिद महामहिपते, जहाँ महिपते राजा को वाक्य स्वयं राजा आदेश देता है। भगवान का भक्ति भी अगर देखे जाए तो अगर तो किसी के भी घर में तक तैयार होता है, यहाँ तक कि एकनाथ महाराज के घर में चल रहा है। 22वां 23वां श्लोक चल रहा है, हम लोग ले रहे हैं। कहते हैं कि भगवान अर्जुन का आप अगर चर्चा श्रवण कर ले, अर्जुन का एक ही वाक्य था कि भगवान को दायित्व देना और भगवान को साक्षी रखकर काम करना, और आदेश भी दिया सारथी अगर बने तो नारायण सारथी बने। इसलिए श्रोताओं, जीवन में हमारे हरेक कार्य ईश्वर साक्षी रखकर करना, ये जिम्मेदारी ईश्वर की बनती है। इसलिए अर्जुन को परमात्मा ने आदेश दे दिया। तो आदेश क्या दिया? याव देवाते निरीक्षणम हम योद्धो च कामना स्थितवान केरमया सह्य योद्ध योस्थितम स्मीमरण मुपबद्धते योत्सा मानानो वेक्षम ये यतन्नम समागतम धात्राष्टस्य दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिय चिकर्षिता। जब अर्जुन युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई और अर्जुन भगवान से कहता है कि हे भगवान, हमारी कामनाएं अच्छी है और अच्छी कामनाओं से हम लोग चल रहे हैं, हम किसी के साथ छल नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे, झूठ नहीं बोल रहे, जो है वह मेरा है और मेरा युद्ध करना दायित्व बनता है, लेकिन एक बार देखूं तो सही क्या है क्या नहीं है। इनकी सभी ये युद्ध रूप व्यापार कहा गया। देखो, जो क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है उसको एक व्यापार का शब्द दिया है। हर एक प्रकार का विद्या अध्ययन करना ये विद्यार्थियों के लिए एक व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। अगर वह नहीं करेगा तो वह सफल नहीं हो सकता है। एक व्यापारी अगर ढंग से व्यापार नहीं करता है तो उसको कैसा, रोज सुबह से 9 बजे से शाम तक नहीं बैठेगा तो पैसा कैसा बेचेगा, वो मिलेगा कैसा, सामान कैसे बेचेगा वो। तो एक विद्या अध्ययन करने वालों के लिए विद्याध्ययन, रोज नियमित रूप से विद्या अध्ययन करना, ये उसका व्यापार है। अगर वो नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। अर्जुन कहता है कि ये हमारे लिए, चाहे कौरव हो या मैं हूं, ये मेरे लिए एक व्यापार है। और व्यापार में सबसे पहले एक बार निरीक्षण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए कहा विचारम महाऔषधिम। शास्त्र क्या कहता है कि विचार मनुष्य के जो विवेको वर्धते महान, ज्ञान वैराग्य विज्ञाप तो विवेको वर्धते मान। अगर एक मोची भी, चप्पल जूते बनाने वाला भी, अगर वह जूते नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? ये कोई भोजन बनाने वाला भोजन नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? हर एक तरह से हर एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व प्रदान करते हुए उसका सबसे पहले लाभ और हानि दोनों देखकर मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां है, मुझे किस किस चुनौतियों से देखना है, मुझे मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो अर्जुन के मन में ये भाव आए कि मेरे सामने भीष्माचार्य रूपी बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, मेरे सामने कर्ण रूपी बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, द्रोणाचार्य रूपी, उनके युद्ध अभ्यास में उनका युद्ध शक्ति अर्जुन देख चुके थे कि इनके पास क्या क्या शक्ति है, फिर भी मेरे भाइयों के साथ में, मेरे साथ में किस तरह से हो सकता। इसलिए भगवान को अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे साथ एक बार पूरा मुझे सारे सेना को देखना है। और कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन। अब दुर्योधन की मानसिक स्थिति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। कई लोग सब कुछ जानने के बाद भी वही पड़त मूर्खता। पड़त मूर्खता एक शब्द दिया है समर्थ रामदास स्वामी ने, जानते हुए भी मूर्खता कर रहे कि ये मैं चोरी कर रहा हूं, उसको पता है फिर भी वो चोरी कर रहा है। धर्म क्या कहता है कि अज्ञानता बस अगर कीचड़ लग गया उसको आप धो सकते हो, लेकिन बार बार लगा के धोना ये धर्म नहीं कहा।
फिर भी दुर्बुद्धि, एक शब्द उसने कहा कि योत योतस्य माना वेक्षहम ये यतन्न समागतम धात्राष्टाच दुर्बुद्धे। जितने भी वहां उधर दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, ये सभी दुर्बुद्धि का एक शब्द वर्णन किया उन्होंने। एक तरह से अगर देखा जाए तो अर्जुन के दृष्टि में दुर्बुद्धि है, अधर्म के दृष्टि में दुर्बुद्धि है, लेकिन संपत्ति उन सभी के लिए युद्ध करना ये उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं था। जो स्वयं के पास में ही रखकर दूसरों में देना नहीं चाहता है वो एक दुर्बुद्धि का समझते हुए भी उसी मार्ग का कर्म करना उसको एक दुर्बुद्धि कहा गई है। तो भगवान अर्जुन क्या कहता है, धात्राष्टस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचित कर्षिणम। उन्होंने उनके मन में ये कहा कि अर्जुन उनकी मानसिकता समझ सकता कि 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं हुआ, पांडवों को कई बार मारने का प्रयत्न किया, गुरुकुल से ही पांडवों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले सभी पांडवों के कई कौरवों के कुछिक भाई लोग सभी नहीं थे, कुछिक भाई तो ऐसे अक्षय भी थे जो पांडवों के प्रति प्रेम रखते थे। ऐसा नहीं है कि भीष्माचार्य जी प्रेम नहीं रखते थे, भीष्माचार्य जी के गोद में रात्रि में अर्जुन को निद्रा भीष्माचार्य के बिना नहीं आती थी, और भीष्माचार्य जी भी अर्जुन को अपने पास में ही सुलाकर सोते थे, उनको भी नींद नहीं आती थी, इतना प्रेम इन दोनों का, दादा और पोते का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माता पिता को दिए हुए वचनों का पालन करने का दायित्व कि मैंने अपने पिता को वचन दिया कि इसका संभालने का कार्य मैं मेरा दायित्व बनता है, भले ही ये अधर्म था और अधर्म का कारण ही द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय में भी भीष्माचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य बोले नहीं, इनका मौन समर्थन था उसमें, यही एक धर्म के सहायक बनना उसको भी एक अधर्म बताया है। तो इसलिए भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन की तब विवेकता के साथ वो कहते हैं कि धात्राष्टाच दुर्बुद्धे, धात्राष्ट्र की जितने भी उनके पुत्र है वो सब दुर्बुद्धि है, और उनको एक ही सोचता है कि हम पांडव को तद एक दिन में मार देंगे, एक दिन में मारने के बाद उनको लगेगा कि अपार वनवास, प्रतिकार नहीं किया, कई बार समझौते के साथ में प्रयत्न किया। उतरते हुए युधिष्ठिर ने अपने पिता के समान धृतराष्ट्र ने कहा कि वे जानती नहीं थी युद्ध करना, फिर भी उसके ऊपर विश्वास किया, जुआ खेलना जानते नहीं थे, तो धृतराष्ट्र ने कहा तो बैठे तो हार गए, इसमें कई प्रकार की गलतियां। खाली युधिष्ठिर ने भी अपने पिता समान धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते हुए वो युद्ध में जुआ खेलने के लिए बैठे, क्योंकि मेरे पितामह ने, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी, जबकि विदुर ने मना किया, धृतराष्ट्र ने अपने इसने भीष्माचार्य ने मना किया, कृपाचार्य ने मना किया, सब लोगों ने मना करने के बाद भी पिता के समान दी हुई धृतराष्ट्र ने आज्ञा वो पिता तुल्य आज्ञा मानकर युधिष्ठिर उस धूत क्रिया खेलने के लिए बैठे हुए, और उसमें भी बैठे भी तो दुर्योधन के साथ बैठना था, और कहते कि महाराज वहां जब वहां शकुनी मामा बैठा तो शकुनी मामा के पास जो गोटियां थी ये उसके पिता की हड्डी की गोटियां बनी थी। कारण आपको पता होगा कि शकुनी मामा के पिता अपने आप में बड़ा हमेशा पश्चाताप करते थे कि भीष्माचार्य जी के भय के कारण उन्होंने अपने पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ, अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह कर दिया, क्योंकि भीष्माचार्य जी का प्रताप इतना था। उसका बदला लेने के लिए शकुनी मामा को कहा था कि तू कभी भी मेरा, जिस तरह से मेरी बेटी के साथ अन्याय भीष्माचार्य ने किया है, एक काम करना, मैं तो नहीं कर पाया लेकिन इनके कुल का समूल नष्ट करना, ये वचन शकुनी मामा ने दिया था। और वो शकुनी मामा ने हमेशा कहते कि खेत में नाला और घर में साला कभी नहीं होना चाहिए, ये दोनों अगर होते हैं तो जीवन में हमेशा उसका पतन ही होगा। इसलिए श्रोताओं कहते हैं कि उन्होंने धात्राष्टाच दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकर्षिता, उन्होंने एक ही कहा कि युद्ध में वो उनको लगता है कि अपने शक्ति बल, कभी कभी धर्म के सामने शक्ति बल भी कोई मायने नहीं रखता है, कितनी भी ताकतवर वो हो सकता है, पांडवों को बहुत परेशान किया लेकिन फिर भी अपने शक्ति बल, जब सामना आमना सामना पांडवों ने युद्ध नहीं किया, कभी षड्यंत्र नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य काम नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने बड़े भाता मेरे बड़े भाई दुर्योधन कर्णों को इन दोनों पांची पांडवों ने, आदिवासी लोगों ने बांध दिया था, उनके मरणासन उनकी बलि देने वाले थे, तो भीम और अर्जुन ने उनसे मुक्त करवाया। जब भीम और अर्जुन उनमें वहां वनवास में थे तब,
ये महाभारत में कथा है, ऐसा नहीं कि कोई झूठ है। इसलिए श्रोताओं, आपके साथ कोई षड्यंत्र करता है उसका जवाब मत दो, अपने सीधे रास्ते चलो। आपके साथ झूठ बोलता है तो आप अपने सीधे रास्ते, उसका परिणाम उसको मिलेगा। और आज उसी का परिणाम स्वरूप गीता का जो निर्माण हुआ, अर्जुन भी सज्जन अर्जुन था। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में क्यों खड़ा करना चाहते थे? चाहते तो भीम को भी चाहते थे, लेकिन भीम ऐसा नहीं था। भीम को अगर आदेश देते तो तुरंत गदा लेकर दौड़ पड़ता, चलो मैं हूं युद्ध करने के लिए। लेकिन आज उन्होंने जो काम किया कि अर्जुन सज्जन अर्जुन, सज्जन के हाथ में जब तलवार उठी जाती है वो कभी गलत काम नहीं करता, वो धर्म के साथ युद्ध लड़ता है। और दैस को धर्म युद्ध इसलिए कहा गया, इसलिए उन्होंने कहा, अर्जुन कहता है, हे पिताजी, हे प्रभु, ये सभी कौरव, जितने भी कौरव के पक्ष में जितने भी लोग हैं, इनका एक बड़ी दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई है। यानी दुर्बुद्धि का परिणाम ये है कि ये लोग युद्ध चाहते हैं, और इस युद्ध से मुक्ति अगर चाहना करना है, हे महाराज, आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा उन सभी को एक बार देखने दो, परिणाम, हानि, लाभ, उसका प्रशंसा, प्रहार, कोई भी कार्य कदम उठाने से पहले 10 बार विचार करके निर्णय करना चाहिए, और एकदम तो कोई भी सोच समझ कर निर्णय नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया हुआ निर्णय, उसमें पश्चाताप हो सकता है, लेकिन सोच कर किया हुआ निर्णय, उसमें अगर कोई भी असफलता होती है तो कोई बात नहीं, वो समझना भगवान की इच्छा है। समझ कर हम अपने जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, लेकिन श्रोताओं, आप इतना ही ध्यान रखें, भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संयोग, आज अर्जुन यही कहता है कि महाराज, मुझे एक बार देखना है। फिर आदमी कहते, आगे कहते, एवं मुक्ता ऋषि केशो गुड़ा केशे न भारत सेन यौर भयोर मध्य स्थापित्वा स्थित माम। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए देखो, विश्व का संचालन करने वाले कृष्ण, आपको कई बार मैंने कथा में अपने सुना भी होगा, सूर्य देवता उगने से पहले प्रणाम करने जाते और कहते हैं, तेरी ही सत्य वेदासी बोलने सूर्यसी चालने तेरी ही सत्य, मेघानी बरसावे पर्वती बसावे तेरी ही सत्य। ये पंच तत्व भी रोज भगवान को प्रणाम करने के लिए जाता है और प्रणाम करता है, उगो तो उगो, वेद कहते बोलो तो बोलो, मेघों ने कहा कि मैं बरसना चालू करूं तो बरसना चालू कर, हवा कहते मैं जाऊं तो हवा के चल, पृथ्वी पूछती है मैं क्या करूं, अब हिलाना हो तो हिला दे, चलाना हो तो चला दे। भगवान कहते यो मुक्ता ऋषिकेशो गुड़ाकेश न भारत, गुड़ाकेश शब्द दिया, गुड़ाकेश न भारत, मैंने कल गुड़ाकेश का अर्थ आपको बताया, सेन यौर भयोर मध्य स्थापित व रथोत्तमम, जो रथ की स्थापना उन लोगों ने दोनों के रथ लाकर खड़ा कर दिया, और भगवान उनके बीच में रथ खड़ा होगा, जो तुम्हारे गुरु है, जिन्होंने युद्ध अभ्यास तुमको सिखाया, आचार्य आचार्य है, मामा है, भाई है, पुत्र है, पौत्र है, तथा मित्र भी तेरे सभी, ससुर भी, तुम्हारे ससुर भी जिनको आप अपना ससुर मानते थे वो भी वहां लड़ रहे हैं। सूरत देख उन सभी प्रकार से खड़े हुए संपूर्ण बांधवों को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ ये बोला, स्वाभाविक है, आपके घर में कोई संकट आता है, जिस पितामह के गोद में बैठकर भोजन किया हो उस पितामह के ऊपर बाण कैसे चलाए जाएंगे, जिन गुरु का हाथ हाथ में हाथ पकड़कर धनुष बाण चलाया होगा, सीखा होगा, आज उस मारने के लिए आचार्य जी महाराज के ऊपर धनुष बाण चलाने की कहां से कौन कौन करेगा ऐसा। इसलिए श्रोताओं, उन सभी ने उस अर्जुन को ये सब कुछ देखने के बाद, एक सज्जन के व्यक्ति में जो प्रेम रहता है, माया रहता है, जिसने कभी अधर्म नहीं किया है, ऐसे लोग 10 बार विचार करते हैं कि वाकई में ये मेरे हैं, वो दुनिया भले वो मूर्ख है तो हम तो मूर्ख नहीं है। उसी भावनाओं के साथ में अर्जुन उन सभी को, अपने इष्ट मित्र सखा सभी को देखने के बाद उनके मन में आया तो वो क्या कहते हैं, अर्जुनोवाच, अर्जुन ने भगवान से संबोधित करते हुए कहा, दुष्टमेव स्वजनम कृष्ण विवत्सोम समुस्थिता सिद्धंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपयुतच्च शरीरे में रोम हर्षति जायते। अर्जुन, वाकई में सज्जन लोग, कोई भी अपने आप, अगर कोई सज्जन है, अपने परिवार वाले हैं, आप लोग अपने भाई के खिलाफ, को भी बचपन में बड़े होने के बाद तो बहुत भाई भाई के खिलाफ षड्यंत्र करते, बहुत भाई भाई के अपने अपने लोगों के खिलाफ बातें करते रहते हैं,
तो इन्होंने ये कहा कि अर्जुन सज्जनता के साथ में, सभी लोग तो युद्ध के लिए खड़े हैं, शंख ध्वनि बज रही, लेकिन अर्जुन का जब उन्होंने सबने देखा तो अर्जुन के मन में क्या आया, क्या कहते हैं, सिद्धंति मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। बड़े सिद्धता के साथ में उन्होंने कहा कि अपने समुदाय को देखकर, मेरे गोत्रों को देखकर, मेरे भाइयों को देखकर, हे नाथ, हे प्रभु, मेरा हाथ पैर शिथिल होते जा रहे। कभी कभी कई कई बार आप जब गलत काम या परिवार के साथ करते, आप घबराहट हो जाती है, मन में बेचैनियां होने लगती है, मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई अगर बेटा बेटी या भाई बहन, माता पिता अपने ही परिवार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, तो सबसे पहले अगर वो बुद्धिमान है, विवेकी है, उसके मन में सबसे पहले घबराहट होगी। ये विषाद योग का परिणाम है, ये हर एक व्यक्ति के साथ घटना घटती है। इसलिए श्रोताओं, आज अर्जुन भी यही कहता है, हे प्रभु, ये तो सब मेरे हैं, इनको ये बुद्धि क्यों नहीं है, मुझे तो ये अपने दिखते हैं, इनको मैं अपना क्यों नहीं दिख रहा हूँ, ऐसा क्या कारण है। तो उन सब लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पैर हाथ पैर शिथिल होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और शरीर में कंपन हो रहा है। आप लोग कभी कभी गलत काम करते समय आपका शरीर वाइब्रेट होता है, संकेत देता है, ये आत्मा की आवाज कहते हैं। फिर तभी उन्होंने कहा, गांडीव गांडीव स्नंसते हस्तात्वा वक्केत परिदध्यते न च संकोच वस्तु स्थानुम भ्रमतिता चय मना। हे प्रभु, मेरा हाथ का जो गांडीव नाम का धनुष है, भगवान ईश्वर का प्राप्त हुआ गांडीव नाम का धनुष, उसकी कथा है, मैं बताऊंगा। गांडीव, उनका अनेक धनुष को भी अलग अलग नाम आते थे। जब परशुराम धनुष भगवान राम ने तोड़ा, उसको शिव धनुष कहा जाता है, इसको गांडीव धनुष कहा जाता है। तो गांडीव धनुष, उसमें उन्होंने कहा कि इतना बड़ा, बड़े बड़े इंद्र जिससे परास्त हो गए, उस गांडीव धनुष से वो कहते कि मैं जिन्होंने, जिनके धनुष के टंकार से पूरे विश्व के देवता है घबरा जाते थे, वो अर्जुन क्या कहता है कि मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है और गिर रहा है और बहुत ही मेरा त्वचा भी जल रही है, घबराहट हो रही, जलन हो रही त्वचा में, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। भ्रम होना एक स्वाभाविक है, हर एक व्यक्ति की वर्तमान की परिस्थिति अति वुहापो में भ्रमित रहता है, चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, अपने गलत कामों को कभी देखता नहीं है, उसको दिख नहीं सकता है, वह समझने का प्रयत्न कभी, अगर कहते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे मन में इतनी चिंता है क्यों, तो कहीं ना कहीं उसका मन बहुत ज्यादा वुहापो में, प्राप्ति में, वियोग में, मान में, अपमान में, अगर ये अवस्था आपकी आती है तो समझना कि आप कोई ना कोई गलत मार्ग का चयन किया है, आपने कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हो, इसका परिणाम आपके इंद्रिय मन आत्मा उसका संयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां अपनत्व है। अपने वालों के साथ धोखा देना, अपने वालों के साथ झूठ बोलना, जिनको आपने अपना माना है उसके साथ छल कपट करना, वह तुलसीदास बाबा कहते हैं, निर्मल जनमन स्वयं मोय पावा, मोय छल छल छप मोय छल छिद्र कपट न भावा। ये भगवान ने कहा कि ये छल कपट ये मनुष्य को चिंताओं का विषय बनाता है। आखिरी में मनुष्य चिंतित क्यों है, क्यों टेंशन करता है इतना, क्या बात है? कभी आपने अपने अंतर्मन से पूछा कि मैं इतना चिंतित, मुझे मन में इतनी चिंता किस बात की है? इसलिए श्रोताओं, यही अर्जुन की अवस्था थी, और उन्होंने कहा कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है। ये सज्जन पुरुषों के लक्षण है। श्रोताओं, अपन अब कल इसके ऊपर विषय की चर्चा करेंगे, आज पूर्ण हो गया, कल के ऊपर चिंतन करते हुए। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।